आत्या, आत्या आई के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है? जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेती ना, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। और इससे पहले कि आत्या आई को ढूंढ ले, मुझे आई को इस घर से दूर लेकर जाना होगा। उन्हें कहीं और छुपाना होगा। नहीं छोड़ो ना। चुप। बोला ना चला। आई। बचाओ आई। ये आई तुम्हें नहीं ले सकती। चला। आई। मुश्किल से तुम्हारी आई मेरे हाथ लगी है। इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ने वाली। नहीं, 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 रुको। आई, नहीं छोड़ो ना। आई, जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे साथ तुम थी, अनुप्रिया नहीं। ओके समझी। कल्याणी की चिट्ठी सुनकर रुपया छुप नहीं पाएगी, बाहर जरूर आएगी। ये तो आई की आवाज है। कहाँ हो अनुप्रिया? बाहर आओ। अरे कल्याणी तकलीफ में। कल्याणी आवाज तो कल्याणी की थी। कल्याणी के साथ। अरे इधर मत आना। मैंने अनुप्रिया को देख लिया है, अब तुम लोग उसे मुझसे छुपा नहीं पाओगे, समझे? अब मैं सबके सामने असली अनुप्रिया को जाके रहूंगी। फटो। तुम्हारा खेल खत्म। मैंने तो अनुप्रिया को देखा था। हाँ तो ये वही तो है मेरी आई अनुप्रिया। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम सब माई को छुपा रहे हो,
लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो यही है और मैं अब सबको बस बहुत हो गई अब आपकी बकवास। चुपचाप अपना सामान उठाइए और निकल जाइए इस घर से। अपर्णा, अरे छोड़ो, छोड़ो इसे। क्यों छोड़ो इसे? जब आप लोगों को इसकी परवाह है ही नहीं तो ये आप लोगों के साथ क्यों रहे? और अगर कल्याणी मुझे जबरदस्ती इस घर से निकालती है तो फिर मैं भी अनाथ आश्रम के ट्रस्टी के साथ यहाँ वापस आऊंगी। और फिर उनके सामने अगर तुम लोगों का झूठ पकड़ा गया ना तो फिर गुनगुन हमेशा हमेशा के लिए तुम सबसे छिन जाए। सही मायने में हमारे घर लक्ष्मी आ गई है। आप ठीक कह रही हैं सर, हमारी गुनगुन है ही ऐसी। हमारी गुनगुन को हमसे अब कोई दूर नहीं कर सकता। से भी मिलो। कल्याणी, सब ठीक है? अब गुनगुन चलो बाहर जाके खेलो। कल्याणी, हम जानते हैं तुम्हारे मना करने के बाद भी हमने मिहिका को, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी। तो फिर क्या सोच रही हो? आत्या के बारे में सोच रही थी। मतलब? काका, जब से आत्या इस घर के अंदर आई है तब से बस वो एक ही चीज चाह रही थी कि आई को बाहर निकाला जाए। वो आई के पीछे ही पड़ी थी और अब जब आई बाहर आ गई है तो उन्होंने आई को माधुरी बना दिया। कुछ तो चक्कर है। इसलिए काका मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अजीब है। हत्या का ना कुछ तो और बहुत बड़ा प्लान है। तभी वो अचानक से इतनी जल्दी बदल गई। कल्याणी, हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्रस्टी को फिर से बुलाना चाहिए घर में और इस बार सब सच बता देना चाहिए, बात करनी चाहिए। कल्याणी, अरे ये तुम क्या कह रही हो? अभी अभी तो हमें गुनगुन की कस्टडी मिली है और अब तुम कह रही हो कि? जानती हूँ अवसर, लेकिन पता नहीं बस मेरा मन कहता है हत्या ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है और बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। नहीं लेकिन साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अनुप्रिया के बारे में अगर सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो कल्याणी। कल्याणी अनुप्रिया को लेके कभी गलत नहीं सोचेगी। शायद हमसे जल्दबाजी हो गई। हम एक काम करते हैं, हम ट्रस्टी को वापस बुलाते हैं और उसे सब सच बताते हैं। और हाँ काका, हमें ना आई के जो ओरिजिनल आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट है ना वो हमें निकालने होंगे जल्द। आओ कल्याणी। अनुप्रिया के सारे डॉक्यूमेंट्स एक ब्लैक बैग में करके सूटकेस में ही है। ये देखो। काका, इसके अंदर तो कोई भी ब्लैक बैग नहीं है। सूटकेस तो खाली है काका। आई की डॉक्यूमेंट्स,
तुम इतनी घबराई हो क्यों? क्योंकि अनुप्रिया की सारी आइडेंटिटीज मेरे पास हैं और अरियानी उसे डेस्परेटली ढूंढ रही है। इन लोगों को अगर पता लग गया ना कि ये बैग मेरे पास है, तुम्हारा सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। प्लीज मुझसे ये बैग लेके जाओ जल्दी से जल्दी। डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहाँ गए कल्याणी? पता नहीं मल्हार जी, पर ढूंढने तो पड़ेंगे। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तब तक उस बैग को तुम संभाल के रखो, उस कल्याणी के हाथ नहीं लगना चाहिए। रुकेंगे आज, छोड़ो इसका नाटक, बहुत हो गया तुम्हारा। मीका मीका नहीं, अनुप्रिया। अनुप्रिया नाम है मेरा और ये मेरी भी बच्ची है, याद रखना। मीका छोड़ो, छोड़ो इसे, एक और सा हाथ छोड़ो। अगर मेरी बहन को दोबारा हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगी। बाबा के पास गुनगुन आओ। मेरी बहन को अगर दोबारा हाथ लगाया तो उसके आसपास भी नजर आई ना, तो मैं हो रहा है ये सब। हाथ छोड़ो। ठीक हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? और आप सब लोग, हाँ, ये लड़की मेरी बेटी को तकलीफ दे रही है और आप लोग सिर्फ देख रहे हैं। और तुम मल्हार, तुमने भी रोकने की कोशिश नहीं की? वैसे ये लड़की है कौन? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? एक मिनट, मैं तुम्हारी आई नहीं हूं। कौन हो तुम? हाँ कल्याणी, कौन है ये लड़की और ये मुझे आई क्यों कह रही है? आई ऐसा क्यों कह रही हूँ? आई 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 चलो कमरे में चलते हैं। आई ये सारी बातें तो होती रहेंगी, आराम करने चलते हैं, बाद में करेंगे सब बातें। आई कुछ भी ठीक नहीं डॉक्टर, मेरी आई ठीक होकर भी ठीक नहीं है। उनका मानसिक संतुलन तो ठीक हो गया, लेकिन वो मुझे अब पहचान नहीं रही। उन्हें लग रहा है कि वो मीका उनकी बेटी है। उनके सिर पे चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे डॉक्टर? ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा हो जाता है। पर किसने सोचा था कि मेरे साथ ही ऐसा होगा? अनुप्रिया ठीक होने के बावजूद हमारी साइड है, वो मुझे कल्याणी समझ रही है। नहीं, उनकी बातों में मत आओ।
ये माँ बेटी ना बहुत चालाक है, हो सकता है ये उनका कोई प्लान हो। कोई प्लान नहीं है अपर्णा, मेरे सामने अनुप्रिया ने अभी कल्याणी को थप्पड़ मारा है और वो उसे पहचानने से भी इनकार कर रही है। वो सबसे लड़ी है मेरे लिए और वो मुझे ही कल्याणी समझ रही है। देखिए आप कल्याणी हैं, ये बात उनको याद आए या कभी आए भी ना, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अनुप्रिया जी को थोड़ा टाइम दीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। एक बार उनकी MRI रिपोर्ट आ जाए फिर हम देखते हैं हमें आगे क्या ट्रीटमेंट देना है। ओके। ये कुछ मेडिसिन्स हैं, अनुप्रिया जी को प्लीज दे दीजिएगा। थैंक यू। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो अपना, अनुप्रिया अभी भी बीमार है और उसका मुझे कल्याणी समझना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर वो दोनों तुम्हें बेवकूफ बना रहे हो तो अकेले में वो दोनों क्या बातें करते हैं तुम्हें पता है? 24 घंटे तो नहीं रहती उनके साथ। ओके फाइन, तुम्हें इतना ही डर है तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ सच। आप यहाँ? अरे क्या कर रहे हो विहिका? छोड़ो, छोड़ो मुझे। हमें अनुप्रिया की बहुत चिंता हो रही है। साहब अब फिक्र मत करिए, सब ठीक होगा। क्या हो गया मनहर जी, आपने गाड़ी क्यों रोकी? आई की गाड़ी है ना वो, आई की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? चलिए देखते हैं। हेलो, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने कल, लेकिन क्या है ना, तुम्हारी आई को मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। वो चाहे कितनी भी गुस्सा किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई तुमने, मुझे फंसाने के लिए बनाया था ना ये सारा प्लान। खैर वो तो होने से रहा, पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम बचा, अपने आई को बचाना। उसके पास बहुत कम टाइम है कल्याणी, ढूंढ सको तो ढूंढ लो और बचा लो उसे, वरना अपने आई को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देना। क्या बोला अपर्णा ने? काका आत्या को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या? और अब उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि अगर हो सके तो आई को ढूंढ के दिखाओ, क्योंकि उन्होंने आई को किडनैप कर लिया है, छुपा दिया है। हमारी अनुप्रिया कहाँ होगी, किस हालत में होगी? अगर अपर्णा ने उसके साथ कुछ किया ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप फिक्र मत करिए, मैं पवन को फोन करके सर्च टीम भिजवाता हूँ। मल्हार जी मुझे लगता है आत्या ना आई को कोई कारखाने जैसी जगह लेकर गई है, क्योंकि मुझे पीछे से हथौड़े की आवाज आ रही थी, काम हो रहा है ऐसी आवाजें आ रही थी और आवाज ना एको भी हो रही थी, तो वो कोई बंद कारखाना ही हो सकता है। कारखाना? हाँ, आसपास एक पुरानी वर्कशॉप है जो काफी टाइम से बंद पड़ी है। चलिए वहीं चलते। कारखाना तो परफेक्ट जगह है ना छुपाने के लिए, वहीं छुपाया होगा, वहीं चलते। आई क्या कर रही है आप? और क्यों कर रही है आप इस? आपको क्या चाहिए ताई? आपको पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। मेरे परिवार के लिए मुझे छोड़ दीजिए ताई, उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, प्लीज। परिवार? जिस परिवार के लिए तुम इतना रो रही हो ना, वो मेरा परिवार है, जिससे तुम लोगों ने मुझे चाय पे बड़ी मक्खी की तरह उठा कर फेंक दिया, सब कुछ छीन लिया तुमने मुझसे, मेरी आई, मेरी बेटी, सब कुछ छीन लिया, और मेरी नाती को तो मेरे बारे में पता ही नहीं, जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इतनी आसानी से तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
कुछ तैयार है? क्या कर रहे हैं आप लोग? वो तेज मेरा दिख रहा है तुम्हें? उसमें मैंने फॉर्म लगाया है। अरे नहीं नहीं घबराओ मत, इतनी आसानी से नहीं फूटेगा। तुम्हें बचने पूरा मौका दे रही हूँ। जब तक तुम नहीं चाहोगी ना, तुम नहीं मरोगे। क्या है कि इस शेड में एक खास स्पीड में तुम्हें भागना। जब तक तुम्हारे पैर इस ट्रेडमिल पे चलेंगे, बॉम्ब शांत रहेगा। और जैसे ही पैर रुके, बॉम्ब की टिक टिक चालू। और एंड में बूम। ट्रेडमिल चालू करूं? लोगों को राय देने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो बताओ कर दूं? कर ही दीजिए। टाइम मत कीजिए प्लीज। क्यों ऐसा कर रही है आप? मत कीजिए प्लीज। अरे माई करना तो पड़ेगा ना। तुम लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ किया, उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। कर देती हूँ। हाँ जी, यहां मेरा बेटा झिंके कहां है मल्हार राणे? कौन है झिंके? ना तो मैं किसी अजिंक्य को जानता हूँ, ना ही आपको। आप ये? मैं इंदू सरकार, सरकार इंडस्ट्री की ओनर। देखिए आप जो भी हैं, मुझे इससे कोई लेना दे। मुझे तुम्हारा झूठ नहीं सुना है मल्हार। कल तुमने मैसेज करके मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन बुलाया था, उसके बाद से मेरा बेटा घर नहीं लौटा है। मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है कुछ। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोले क्या जा रही है, ये सब बकवास है। अच्छा तो ये क्या है? मल्हार राणे, मुझे हर हाल में मेरा बेटा वापस चाहिए। आप लोग क्या देख रहे हैं? मोबाइल लो इसका, शायद मेरे बेटे की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक सेकंड, कोई गलत फहमी हुई है। आप रुक जाइए। फोन ले रहे हो या डीजीपी को फोन करूं मैं? देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। मल्हार राणे हैं इस शहर के कमिश्नर, और मैं इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ, जिसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। आप जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैसेज देखना है ना आपको, ये लीजिए। एक सेकंड। कल्याणी आप? जी के फोन से मैसेज किसने भेजा होगा? है, हेलो, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए अर्जेंट। कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी दरवाजा खोलो। सारे सबूत मिटा रही होगी। कल्याणी दरवाजा खोलो। पता करो कि कहीं मल्हार जी का फोन किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है। जल्दी से पता करवाओ और मुझे अभी कैसे कॉल करो। हाँ कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी प्लीज दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो तुम अंदर?
अगर तुमने कुछ डिलीट किया कल्याणी, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। देखिए गलतफहमी हो रही है आपको, कल्याणी ऐसा कुछ नहीं करेगी, एक्सडीएम रह चुकी है वो कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकती है। हाँ इंदु जी मलहार एकदम ठीक कह रहा है, कल्याणी कुछ गलत नहीं करेगी। हाँ कल्याणी कोई गलत काम नहीं करेगी और वो किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं होने देंगी। ऐसा होता तो आपकी बेटी मलहार का फोन लेके अंदर बंद नहीं होती, अपने पति की मदद कर रही है वो। देखिए इंदु जी, आपको आपकी बेटी की फिक्र है मैं समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी पर कोई भी इल्जाम लगाएं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, कल्याणी कुछ गलत नहीं कर रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो पता लगा रही हो कि मलहार ने अगर मैसेज नहीं भेजा है तो और किसने भेजा है, और कुछ नहीं। कल्याणी क्या बचपना है, क्या कर रही हो तुम अंदर? मैं सिर्फ इतना पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं किसी ने मलहार जी का फोन तो हैक नहीं कर लिया और हैक करके उनके फोन से मैसेज भेजा, बस वही पता करने की कोशिश कर रही थी। सुना आपने, कल्याणी और मलहार ने कुछ नहीं किया है। आई मलहार जी का फोन हैक नहीं हुआ है, मलहार जी के फोन से ही मैसेज किया है। मेरे फोन से? आप पता चल गया कि मैसेज मलहार ने ही किया था? देखिए ऐसी बात नहीं है, ये मैसेज मलहार जी ने नहीं भेजा है। तो क्या भूत ने किया? तुम ही कह रही थी ना कि फोन हैक नहीं हुआ था, तो मलहार के सिवा मैसेज और किसने किया? किसी और ने मलहार जी के फोन से भेजा होगा, कोई ऐसा इंसान जो बड़ी आसानी से इस घर में आकर मलहार जी का फोन इस्तेमाल कर सकता था। ये बहाने किसी और को देना, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। देखिए मैं आपसे वादा करती हूँ, आपका बेटा मैं बहुत जल्द वापस आपको ला कर दे दूंगी, बस कुछ वक्त दे दीजिए प्लीज, वादा करती हूँ आपका बेटा आपके पास होगा। ठीक है, एक घंटे में मेरा बेटा घर पर होना चाहिए, वरना मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मुझे ना एक भी डिजाइन अच्छे नहीं लग रहा। अरे ये कितना प्यारा लग रहा है देख। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा। परमेश्वरा पिछले दो घंटे से एक भी सेट इस लड़की को पसंद नहीं आ रहा है। अनुप्रिया कल्याणी इसे संभाल सकती है। कल्याणी आई आओ साहब। अनुप्रिया सुनो। कल्याणी आई जी आओ साहब। कहिए वो मैं गेस्ट की लिस्ट बनाने में बिजी। अरे वो सब छोड़ो, पहले इसे संभालो। देखो ना पिछले घंटे भर से इतने सारे सेट दिखा रहे लेकिन एक भी पसंद नहीं आ रहा है। अब ताई कितने पुराने ओल्ड फैशन डिजाइन है, कैसे पसंद करेगा कोई? अरे असली सोने में यही डिजाइन अच्छे लगते हैं बेटा, नहीं तो आजकल की तरह नहीं। आजकल तो असली सोना पहनो तो भी नकली लगता है। आओ साहब प्लीज। हाँ इसे देखे ना आदम जमाने टाइप की फील आ रही है, अगर मेरे फ्रेंड्स लोग देख लेंगे ना तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बेवकूफ हैं वो, असली सोने की पहचान ही नहीं है उनको तो। एक सेकंड देखिए सगाई ना आज शाम को ही है, तो इस बात का सलूशन थोड़ा सा जल्दी ढूंढना पड़ेगा। तो समझा देना गोदावरी को। नहीं काकी आप ना आओ साहब को समझाओ। अच्छा एक सेकंड अब आओ साहब, देखिए आज तो सिर्फ सगाई है ना, शादी थोड़ी ना है, तो एक काम करते हैं आज के दिन सगाई में गोदा को अपने हिसाब की मॉडर्न ज्वेलरी पहनने दीजिए। अरे लेकिन शादी पक्का, शादी में गोदा आपकी चॉइस की ज्वेलरी पहनेगी, जो भी आप कहेंगी गोदा वही पहनेगी, पक्का प्रॉमिस। हाँ ठीक है चलो तुम ये सेट रख दीजिए, ये और ये दोनों सेट रख दीजिए। ये फूल कहाँ पर रख दूँ? अब मैं रख देती हूँ, दीजिए अब बाहर से और फूल ले आइए। अरे कल्याणी। हाँ अपने सारे रिश्तेदारों को न्योता दिया है ना? जी आओ सर कर दिया। कल्याणी वो केटर का नंबर उससे मैं बात कर लेती हूँ, आप जाके म्यूजिक वाले से बात कर लीजिए। हाँ मैं वो करता हूँ और मैं बाकी भी इंतजाम देखता हूँ। हाँ। ताई मैं सगाई में कौन सी ड्रेस पहनूँ, ये वाली की ये वाली? ये वाली। ओके पानी पी, थक गई हो ना? थैंक यू भाई। थक तो गई हूँ लेकिन उससे ज्यादा मैं गोदा की शादी के लिए एक्साइटेड। अरे क्या हुआ? चुप करोगे तुम लोग कितना? अरे ये क्या नारेबाजी हो रही है? देखिए ना साहब मेरी जीप स्टार्ट नहीं हो रही तो मजाक बना रहे हैं और बोल के खटा रहा है। आजी मैं ना एक घंटे से वेट कर रहा हूँ पर बाबा की वो खटारा जीप चालू ही नहीं हो रही है। फिर वही बात, खटारा है वो, कितना घुमाया उसमें मैंने तुम्हें। अब सच कड़वा होता है लेकिन सच तो सच भी होता है ना, है ना?
हाँ वही। अब नहीं एक्चुअली सच ही तो है ना मल्हार जी, उस जीप को कितना टाइम हो गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो खटारा जीप नहीं चलेगी। बाबा मैं आपकी उस सड़ी जीप में नहीं बैठूंगा, मैं भी नहीं। लेकिन ऐसे लेकिन लेकिन कुछ नहीं चलेगा, आपको नई कार खरीदनी पड़ेगी बस। अच्छा पता है नई गाड़ी कितने की आती है पता है तुम दोनों को? महंगी हो या सस्ती मैं आपकी सड़ी जीप में नहीं बैठने वाला, मुझे तो सिर्फ नई कार ही चाहिए। सुनो अब परमेश्वरी बचाए तूफानी बच्चों से मल्हार। जो बिगड़े ना तुम्हारी वजह से। एक सेकंड, मेरी वजह से क्या हुआ? मेरे पिल्लू को कुछ मत बोलिए। अच्छा तुम्हारा पिल्लू, और जब मेरा तेल निकाल रहा है वो उसका क्या? अरे मल्हार जी अब वो सही तो कह रहा था, कितने सालों से चल रही है आपकी ये पुरानी जीप, अरे अब घस घस के ना वो खराब हो गई है। और वैसे भी मल्हार जी गोदा की बिदाई तो आपकी गाड़ी में होगी, अगर वो कार सबके सामने ऐसे बंद पड़ गई तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। वो तो जाएगी। तो ले लीजिए ना एक नई कार। बहुत पैसा ना हमारे पास, चलते फिरते कभी भी गाड़ी ले लो। तो माँ बेटे से जीतना ना मेरे बस की बात तो नहीं है। एक केस से तो गाड़ी का दरवाजा भी नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए आप भी ना सुनो बात का। सॉरी हेलो क्या? ठीक है मैं आता हूँ। अरे मल्हार जी कहाँ जा रहे हैं सगाई आज शाम? कल्याणी बहुत बड़ी टिप मिली है, बहुत सारा ब्लैक मनी इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, तो यही मौका है पकड़ने का। मैं वापस आ जाऊंगा टाइम पे। हाँ हाँ आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू। कहाँ चले गए? पूरा घर ढूंढ लिया है। फोन ही नहीं उठा रही है। हाँ मल्हार जी बोलिए। कल्याणी कहाँ हो तुम? मार्केट आई हूँ शॉपिंग करने। कल्याणी झूठ मत बोलो, सच से बताओ कहाँ हो तुम? झूठ कैसी बात कर रहे मल्हार जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? देखिए मैं वाकई मार्केट आई हूँ शॉपिंग करने। इतनी सुबह सुबह कोई शॉपिंग करता है क्या मार्केट में? सुबह सुबह भीड़ कम रहती है ना तो फटाफट शॉपिंग हो जाएगी। अच्छा चलिए अभी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मैं बात नहीं कर सकती, मैं बिजी हूँ, बाय। कल्याणी तेरे को नहीं देखी अपुन में, बता क्यों नहीं रही, कौन है तू? किधर है बताओ? अरे मेरे बाइको को देखा किसी ने? ये बेवड़िया, ये बेवड़िया, बेवड़िया उठ उठ, इधर 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 खड़ी है इधर। ए तू हिलता कितने? ए हिलमत हिलमत, हिलती कितना है तू? हिलमत फिर ली। मैं नहीं, तू हिल रहा है।
तेरे को मारने का है ना इसको, मार, मैं तंग आ गया इसको, मार इसको, मार। ए मेलिया, मारने दिए मेरे इसको। अरे इधर पहले देखा नहीं कभी, इसीलिए। अजय एक काम कर, पहले मेरे को अपनी बाइकों से बात करने दे, फिर इसके बाद इसको मार देना, है ना? ए, आजा, चल, ए। यार है, पाँव में पहिया लगाए तेरे, जब देखो भाग जाती है अपने पति को छोड़ के, शादी काय को मनाया तू मेरे साथ? ए बेवड़िया, तू तो बेवड़िया पूरा दे, बेवड़ा होके पड़ा रहता है कहीं पे। मेरे को तो पैसा कमाने का होता है ना, तेरे को तेरे पौवे की बोतल के लिए कुछ दिखता है कि नहीं? पति है मैं तेरा, कुछ भी करे। अरे पर सीधा खड़ा रहे, घर तो मेरे को चलाना होता है ना, पैसा तो मेरे को कमाना होता है ना, तू कुछ करता है? ए बेवड़ा एक बात मेरी सुन ले, दोबारा कभी ऐसे नशे में धुत हुआ या काम नहीं किया ना, तुम्हें मायके चली जाएगी मैं। अरे बात बात पे मायके चली जाएगी, शादी काय को मनाया तूने मेरे साथ? मेरी बात सुन, मेरा जीना आराम कर। अरे मेरा मायके जा रही है। मेरी मन्ना जी मेरी बात सुनिए। मन्ना जी मेरे पीछे जो औरत है ना उधर देखिए, पैसे उसके पास। ए बेवड़े नाना जी इधर सुन, मेरी बात सुन। सुना? अगर दोबारा कभी पी के घर आया और ये सब तमाशा किया ना, तो मैं तेरे को मार देगी। इतना पैसा कैसे आया? कैसे आया इतना पैसा? ए मेलिया क्या रे तेरे को, तू अपने बाइकों को ढूंढने आया था ना, मिल गई ना वो तेरे को? चल अब उसे ले आ, निकल चल। पहले मेरे को बता इतना पैसा कैसे आया, बता बता। हाथ छोड़ उसका, नहीं तो काट दूंगा, समझा ना? नीचे 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 नीचे। क्या पूछा मैंने, कहां से आया पैसा? क्या लिखा है काका? कल्याणी ये विल असली है और इसमें साफ साफ लिखा है कि जगदम्ब सहाने उन्होंने तुम्हारे नाम पे सारी प्रॉपर्टी और 70 करोड़ तुम्हारे नाम पे छोड़े। But this is not possible. कोई मजाक होगा ये? अरे मैं आज तक ऐसे इंसान से मिली नहीं हूँ, इस नाम के इंसान से आज तक मिली नहीं हूँ, तो फिर मैं ये बिल कैसे? हम ये बिल एक्सेप्ट करने को तैयार है। कल्याणी किसी की आखिरी विश है, ऐसे मना नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये मैं बिल ऑफिशियली आपके नाम पे ट्रांसफर करके पेपर्स आपको दे दूंगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। मलाल जी आप ऐसे कैसे कोई भी बिल एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैं नहीं जानती हूँ उस आदमी को। कल्याणी मुझे लगता है कि जिस इंसान का मैंने ब्लैक मनी सीज किया है ये उसी का प्लान है। मुझे लगता है उसी ने हमारे घर में चोरी करवाई है ताकि हमें एकदम से पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़े और जैसे ही हमें जरूरत पड़े वो ये बिल भिजवा दे। तो आप कह रहे हैं कि वो आदमी हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है? हाँ कल्याणी लग तो ऐसे ही रहा है मुझे। एक मिनट मलाल, वो तुमने जो ब्लैक मनी सीज किया था वो तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में आज ही ट्रांसफर होने वाला है ना? जी काका। तो मल्हार जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी आपको आपको भटकाना चाह रहा है ताकि आपका ध्यान भटक जाए और वो अपना पैसा गायब कर ले? हाँ कल्याणी, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं और तहकीकात कर देखता हूँ क्या मिलता है। हाँ। जो गोदावरी कहाँ है? अब आई बस लेकर आ रही होगी उसे। नौराई माची लाड़ा ची लाड़ा ची गंग, पड़ ही न चंद्रा ची गंग, नौराई माची नवसा ची गंग, अब सरा सशी इंद्रा ची गंग।
बाहर चेस के खेलते। कहाँ जा रहे हो? अरे हम दोस्तों को लेने जा रहे। कल्याणी जी। काका कल्याणी मैंने सच का पता लगाया है, जो तुम्हें पैसे और प्रॉपर्टी मिले हैं वो सही है। जगदम्ब सहाने ने तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी का जिम्मेदार बनाया है, तुम्हें उसकी वारिस हो। काका इन बातों पे यकीन मत कीजिए काका, ये जो भी है सब कुछ अच्छे से जानता है, बहुत बड़ा गेम प्लान खेल रहा है। वो जानते हैं हम किसी बात पे ऐसे यकीन नहीं करेंगे, तो उसने सब कुछ प्लान करके रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जगदम्ब शाणे नाम का इंसान कोई हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो। अरे मल्हार, सार्थक, कल्याणी आओ ना, चलो रस्म शुरू करते हैं। बस तैयारी की ही बात कर रहे थे। इंदु जी चलिए आप शुरू कीजिए रस्म। अनुप्रिया जी पहली रस्म आप शुरू कीजिए। देखिए क्या है। अरे इतनी सी हल्दी, जरा और लगाइए, लगे तो सही दूल्हे की हल्दी है। ये फोटो जगदम्ब शाह ने का है।